मलदहिया स्थित लाजपत नगर पार्क में स्वयंसेवक संघ व सीआरपीएफ के जवानों ने गरीबों असहायों में कंबल व वस्त्र वितरण किया। इस अवसर पर 95 बटालियन कमांडेंट नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में गर्म कपड़े व कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता व सीआरपीएफ के कई जवान मौजूद रहे। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मैं कमांडेंट हूँ 95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, ज्ञानवापी मस्जिद और हाईकोर्ट लखनऊ के हाईकोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की सिक्योरिटी के लिए तैनात है। सर, सीमाओं पे आपके जवान मुस्तैदी से हम सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आपकी भागीदारी रहती है, कितना आनंद की अनुभूति होती है? देखिए, सीआरपीएफ को जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना ड्यूटी तो 100% परफॉर्म करना है। सीआरपीएफ पूरे देश में अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म कर रही है, उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में जो भी एनजीओ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएँ हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारा सहयोग चाहती हैं, उनका सहयोग भी हम लोग लेते हैं और साथ में उनके साथ जुड़ के समाज के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ति करने के लिए वो सभी कार्य करते हैं जिसकी आवश्यकता समाज में होती है।